Cutting across to Delhi Minister Atishi holding a press conference. के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया. मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं. पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया. पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं. वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे. भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है. लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप चार लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था. अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा. मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा. मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी. ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी. उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा. मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं. जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे. आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे. थैंक यू. क्या आप मानते हैं कल जो वोट में नाम लिया गया उसी कड़ी में का हिस्सा है? देखिए, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि कल जो ईडी ने
सौरभ भारद्वाज जी और मेरा नाम कोर्ट में लिया, वो एक ऐसे बयान के आधार पर लिया जो बयान ईडी और सीबीआई के पास 1.5 साल से मौजूद है। ये बयान ईडी की चार्जशीट में भी है, ये बयान सीबीआई की चार्जशीट्स में भी है। तो आज इस बयान को उठाने का क्या कारण था? इस बयान को उठाने का कारण था कि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। और जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिस भारी संख्या में लोग आए, जो जन सैलाब आया, उनको अब समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के चाहे मुझे, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को अब वो जेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। मैम एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, लेकिन अब सीएम जेल जा चुके हैं, ऐसे में जो मुलाकातियों की लिस्ट है उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं चाहे वो किसी फाइल का आगे बढ़ना, तो कैसे होगा? क्या सरकार बर्खास्तगी की तरफ बढ़ रही है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आप लोग अदालत से किसी तरह की रेमेडीज मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो चाहे आप सांसद। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए, आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर वन। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं इंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly. तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक SOP तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। जिस तरह उन्होंने पिछले 8-9 साल में ऑपरेशन लोटस को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया है, यह तो उससे भी आसान है। ईडी के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट में हर विपक्ष के मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दो, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर दो और फिर कहो कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का यही असली कारण है। कल अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा ईडी ने, उन्होंने कहा हमें जुडिशियल कस्टडी चाहिए। क्यों चाहिए आपको जुडिशियल कस्टडी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय ईडी ने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि हमें इनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि इन्होंने हमने इतने समन्स भेजे और ये समन्स पर नहीं आए तो हम पूछताछ करने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अब 11 दिन की पूछताछ हो गई, आपने जो जानना था आपने जान लिया, अब आपको अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों भेजना है? इसलिए भेजना है क्योंकि इस गिरफ्तारी के दो ही मकसद थे। इस गिरफ्तारी का पहला मकसद था अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान कैंपेन करने से रोकना, और दूसरा मकसद था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को गिरा देना,
राष्ट्रपति शासन लगाना और फिर चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना।